देखो भाई, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ, इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे हमें ना। तो ये क्या बोलते हैं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन ए कैपेसिटर इन ए लूप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द सर्किट एलिमेंट्स इन ए लूप इज ऑलवेज जीरो। तो देखो इसका मतलब क्या है, और देखो सर्किट एलिमेंट्स मतलब ऑल द सर्किट एलिमेंट्स बोला है हमने ना, ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे फिर वो सर्किट एलिमेंट हमारा रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, ये हर जगह ट्रू है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब, अभी तो हम कैपेसिटर के टर्म में समझते हैं। तो मान लो हमने कोई बैटरी लगा दी, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर मान लो, ऐसा भी बना दो, लो बना लेते हैं ये को लगा दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी बना दिया हमने, मान लो इसका पोटेंशियल है वी। अच्छा एक आध बैटरी और लगा देते हैं, यहाँ पर भी लगा दो एक बैटरी, लो एक बैटरी यहाँ पे लगा दी, इसका पोटेंशियल मान लो वी वन है, इसका पोटेंशियल है वी टू। देखो अच्छा बैटरी और कैपेसिटर में फर्क समझ में आता है ना, कैपेसिटर में ये दोनों बराबर होती हैं, इसमें एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, बड़ी वाली पॉजिटिव छोटी वाली नेगेटिव, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं सी वन है, सी टू, सी थ्री, सी फोर, और मैं चार्जेस मान लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ अपने हिसाब से ना। मान लो इस पर चार्ज है क्यू वन, इस पर माइनस क्यू वन, इसमें मान लो माइनस क्यू थ्री है, इस पर क्यू थ्री है, इसमें मान लो क्यू टू है, इसमें माइनस क्यू टू है। तो मैंने मान लिया है ना बहुत सारे कैपेसिटर मान लिए, बहुत सारे चार्जेस मान लिए, जो भी रैंडमली कुछ भी मान लिया ना। अब इन सब में रिलेशन लिखना है, ये वेरिएबल से कैसे फाइंड करें ना। तो देखो लूप लो, पहले तो एक लूप, लूप मतलब क्लोज लूप, उस पर लगेगा हमेशा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके उस पॉइंट पर वापस जाएंगे। ये रजिस्टर में पढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, तो हम ऐसे घूम के ऐसे जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम क्लॉक वाइज जाओ एंटी क्लॉक, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लूप होना चाहिए, कैसा भी लूप बनाओ ना, कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी जा सकते हो, ये भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे 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 घूम के यहाँ पे गया, एक लूप हो गया, या फिर तुम ऐसा भी लूप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर तुम ऐसा भी लूप बना सकते हो। समझ में आया क्या? तो अपन स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस। तो अभी मैं किस लूप में लगा रहा हूँ, लूप पी क्यू आर एस लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा ना, इसको समझते हैं। तो याद रखना हम हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे ना, हम क्या करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लिखा करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर गया, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना। तो इसको लिखने का तरीका देखो, तो यहाँ पे साइड में जाके नोट लिखो, हर एक कैपेसिटर वाले पे यही क्लियर करेगा। मान लो जैसे इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे बताओ? अच्छा इसको लिख देते पोटेंशियल ड्रॉप ही लिख देते ना, जो भी अपन जो किरचॉफ्स लॉ लगाते ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखेंगे, क्यू बाय सी, याद रखना। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला ये दो पॉइंट लिखो, दो पॉइंट से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरा ये बनाओ, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इसका कैपेसिटेंस है सी, अगेन तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, लूप में तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे? तो देखो तुम जब इस डायरेक्शन में, जो पहली प्लेट पे तुम्हें जो चार्ज लिखे उसको लिख दो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो पहली प्लेट पे तुम्हें जो चार्ज दिखेगा तुम उस चार्ज को लिख दोगे। जैसे यहाँ पे पहली पे कौन सा लिखा, तो माइनस क्यू लिख दो और सी से डिवाइड कर दो, अब इसको भूल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? पहली प्लेट पे जो चार्ज दिखेगा उस चार्ज को लिखेंगे और उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देंगे। अरे वी क्यू बाई सी तो होता है क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी क्या है, क्यू बाई सी, आ रहा है समझ में, पक्का? ठीक है तो हम इस पे लगाते हैं ना, पहले ये देख लो ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है तो फिर हम ये इस पे लगाते हैं ना। तो अच्छा ये तो समझ आ रहा है, जैसे लूप में हम जा रहे हैं, तो जैसे इस डायरेक्शन में गए तो क्यू वन पहले आया, माइनस क्यू वन पहले आया, क्यू वन, तो हम क्या क्यू वन को लिखेंगे, जो पहला हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना ऐसे, तो जो पहले पड़ेगा हम उसको लिखेंगे, क्यू वन आ गया ना पहले, तो क्यू वन को लिख दो, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना है, लिख दिया। चलो चलते हैं, अब हमें पी क्यू आर एस कवर करना है, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन आया, माइनस क्यू थ्री, जो आ रहा है उसको लिख दो, माइनस क्यू थ्री लिख दिया और डिवाइड सी थ्री से करेंगे। चलो चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अब बैटरी, अब बैटरी का लिखना सीखो, कैपेसिटर का समझ में आया क्या? ठीक है, अब बैटरी के लिए देखो अगला नोट लिखो, बैटरी पे कैसे लिखेंगे,
अच्छा हम पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं, याद रख लेना, इस पे जैसे वी दिखा होगा है ना, तो अच्छा इस तरफ का ज्यादा है, इस तरफ का ज्यादा है पोटेंशियल, पॉजिटिव वाले का ज्यादा है, तो यहां से यहां जाओगे तो ड्रॉप ही करेगा ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखेंगे हम? अगर मान लो ऐसा सिनेरियो आ गया और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पे अगेन दिया है वोल्टेज, उस पे लिखा है वी लिखा हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब दिस माइनस दिस, ये नेगेटिव है ना इसका पोटेंशियल, इसका ज्यादा है यहाँ पे, तो राइज कर रहा है उल्टा पोटेंशियल, पोटेंशियल तो वी राइज कर रहा है यहाँ पे, तो ड्रॉप को लिखना है तो नेगेटिव लिखेंगे। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ही क्या है, पोटेंशियल तुम्हारा राइज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी सेम है, तुम जा रहे थे कौन सी प्लेट पहले पड़ी, पॉजिटिव लिख दिया, कौन सी प्लेट पहले पड़ी, नेगेटिव लिख दिया, समझ में आ गया? तो इसको फॉलो करना है, जो प्लेट पहले पड़ेगी बस उसका चार्ज लिखेंगे, ठीक है? और बैटरी में जो अगर पॉजिटिव प्लेट पहले पड़ी तो बी लिख देंगे, नेगेटिव प्लेट पहले पड़ी तो माइनस बी। और इसको हम रट नहीं रहे, हमने समझा भी है कैसा क्यों लिख रहे हैं ना, पर एक बार समझ लिया तो अब हमें लूप लो फटाक से लगाने के लिए, दिमाग में याद भी रखना है इसको, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो क्यू वन बाई सी वन माइनस क्यू थ्री बाई सी थ्री, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, नेगेटिव आई पॉजिटिव आई तो माइनस वी वन, और हमने क्या कहा था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन ए लूप इज जीरो, इक्वल टू जीरो कर दी, ये बस लूप लो। अगर ये समझ में आ गया है तो इसके अक्रॉस लगा के दिखा दो, इस लूप में इसको नाम दे दो क्यू आर एस टी, इस लूप में तुम लोग लगा के बताओ, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर में तुम लोग लगा के दिखाओ। अच्छा इसको लूप को पूरा देखो, पी क्यू आर एस पी क्यू एस टी आर क्यू, लूप कंप्लीट करो ना, और ये दोनों नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार मार लेना, क्योंकि ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, तो फिर तो लगा ही लोगे। हाँ बोलो क्या? हाँ क्यों, देखो स्टार्टिंग में कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो घूम फिर के वापस यहाँ पे आओ, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उधर पे वापस आओ, ठीक है? पहले देखो कैसे लिखते हैं इसको, है ना, तो इस वाले को लिखते हैं ना, तो हम अपन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक बताओ जब मैंने तुम्हें लूप बता दिया तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है तो उल्टा क्यों चल रही हो, और वो भी कहीं से कहीं भी चल दे रही हो, ध्यान ही नहीं दे रही हो। अरे कि एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करें तो इस पॉइंट पे वापस पहुंचना है, करते हैं चलो लिखते हैं। हाँ बैठ जाओ, क्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, चलो गए पॉजिटिव आए नेगेटिव, तो क्यू टू बाय सी टू, जा रहे जा रहे, पॉजिटिव आई नेगेटिव तो प्लस बी टू, पॉजिटिव आई नेगेटिव खत्म, पहुंच गए तो इक्वल टू जीरो लगा दो, क्या है बताओ इसमें, क्या दिक्कत है, कितना आसान तो है बताओ इसमें, अभी किसी को डाउट है कि एक बार देखो आया समझ में, लगा सकते हो, ये लगा लोगे ये वाली और जो दो इक्वेशन बताए उससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सर्किट का कोई भी सर्किट सॉल्व कर पाओगे तुम, और गलत भी नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं लिया, रैंडम डेटा माना उन वेरिएबल्स को हमको फाइंड करना है, कुछ भी हो सकते हैं, इतना तो पक्का है ना इक्विवेलेंट अपोजिट होगा चार्ज, वो हमने लिया है, तो 1% भी कुछ गलत नहीं लिया यहाँ पे, वो वेरिएबल्स हमको फाइंड करने होंगे, और यहाँ पे दिख भी रहे कितने वेरिएबल्स हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, चार वेरिएबल है ना, तो चार वेरिएबल की दो इक्वेशन तो आई गई, बाकी दो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, चलो लिख ही देते हैं। अच्छा इतना तो दिख रहा है चार वेरिएबल हैं, बैटरी का पोटेंशियल तुमको पता है, सबके कैपेसिटेंस तुम्हें पता है, चार वेरिएबल है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, चार इक्वेशन तो आ गई, दो इक्वेशन, अरे दो इक्वेशन तो आ गई, दो इक्वेशन और लिख देंगे हो जाएगा ना काम, तो बताओ दो इक्वेशन और कहाँ से आएंगी, अब कौन बता रहा है, कोई एक बोलो, खड़े होकर बोलो कोई, हाँ वो तुम खड़े हो जाओ बोलो, कहाँ, हाँ है ना, क्या करेंगे ये बड़ा वाला ले लेंगे, यही तरीका है, गलत है ये, चलो मैं बताता हूँ क्यों गलत है, सीखो गलती करके ही सीखोगे, चलो मैं भी ऐसे ही सीखा ना गलतियां कर करके, तो करो चलो गलती करो पहले, अब बड़े वाले लूप पे लगाओ, लूप पी, अच्छा इस बार उल्टा चलते हैं ना ताकि सीख जाए, नहीं उल्टा नहीं अभी तुम सीधे चलो भाई, पी क्यू एस टी आर, और ये भी ऐसा हो गया, ये एस डैश मान लो, पी क्यू एस डैश टी आर एस पी, इधर से लेके ऐसे इस पे लगाओ एक बार इक्वेशन लगाओ, सब लोग लगाओ जल्दी से, तो ठीक है देखो इस पे लगाते हैं ना, चलो लगाते हैं यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से का क्या है पॉजिटिव, तो क्यू वन बाय सी वन,
प्लस वी टू माइनस माइनस क्यू फोर बाई सी फोर माइनस वी वन इक्वल टू जीरो। तो दो इक्वेशन ये थी, तीसरी इक्वेशन आ गई है ना, आ गई ना तीसरी इक्वेशन, नहीं आई। इन दोनों को ऐड करो एक बार, देखो क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो, देखो ये इक्वेशन बन रही है देखो। और अगर अब तुमको इतनी सी भी मैथ आती है तो तुमको पता है दो इक्वेशन को ऐड करने से तीसरी नई इक्वेशन नहीं बनती, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये इन दोनों को ऐड करने पे आ रही है। तो याद रखना पहले तो एग्जाम में ऐसा करके हमें टाइम बर्बाद नहीं करना, तुमने इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, अब बड़े वाले पे लगा के कुछ नया नहीं मिलेगा, टाइम बर्बाद कर रहे हो। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये गलतियाँ नहीं करनी। अब घर जाके जब एससी वर्मा करोगे तो ये गलती मत करना, करोगे तो तुम्हें दिख ही जाएगा, फंस जाओगे, कुछ नहीं होगा, नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो कितनी इक्वेशन अभी तक हमारे पास टोटल? दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? ये बड़ा वाला लूप नई इक्वेशन नहीं है, ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो लिख सकते हो, इसको एक नोट करके लिख लो, ये वाली गलतियां क्योंकि करते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। लूप इक्वेशन ऑन द बिगर लूप इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ टू लूप इक्वेशंस ऑफ स्मॉलर लूप्स, हेंस इट डज नॉट गिव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन, हेंस इट डज नॉट गिव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब वो वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर सकती, हेंस इट डज नॉट गिव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। तो चलो अब हमारा प्रॉब्लम फिर से वापस वहीं आ गई, क्या आ गई दिक्कत? वेरिएबल कितने हैं, इक्वेशन कितनी है, इसको मिटा दूं अब? चलो अब कहाँ से लाए दो इक्वेशन, आप बताओ क्या करें अब? हाँ किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दो, अब किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दो। अब उसके लिए क्या करना है, प्लेट्स ढूंढो, देखो एक प्लेट तो ये दिख गई, और सिर्फ दो बार लगा रहे क्योंकि दो वेरिएबल चाहिए, दो बार लगाओ, अगर तीन बार लगा दोगे तो उन सब का कहीं ना कहीं एडिशन आ रहा होगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। याद रखना ऐसा नहीं है कि चार वेरिएबल तुमने पांच या छह इक्वेशन लिख दी, नहीं वो सब रिपीटेशन हो रहा है। तो एक तो इस पे लगा देते हैं और एक कहाँ पे लगा दें, इस पे भी लगा दो। चलो इस पे कैसे लगाएंगे तुम बताओ, कैसा बनेगा, ऐसे बनाएंगे है ना? तो चलो बताओ इस वाले की इक्वेशन जल्दी बोलो, किरचॉफ्स का कौन सा लगा रहे हैं, पहला लॉ है ना, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलो जल्दी, माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो। जीरो कब लिखोगे, अगर बोला गया है कि इनिशियली न्यूट्रल दे, मान लेते इनिशियली न्यूट्रल दे दी इन्फॉर्मेशन, समझ में आ गया? अगर इनिशियली पांच कूलम दिया होगा तो पांच कूलम लिख दोगे, आया या नहीं आया समझ में? पक्का नहीं मिल गई, तीसरी इक्वेशन मिल गई, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। चलो फोर्थ इक्वेशन, चलो इसमें बताओ क्या आएगा, माइनस क्यू टू, भाई माइनस क्यू टू कौन सी प्लेट है अंदर, तो माइनस ही तो लिखा है मैंने, देखो आप दिख रहा है वेरिएबल भाई कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, आप यहीं से दिखे इन दोनों में से एक तो पॉजिटिव ही होगा, एक नेगेटिव होगा, ये तो पक्का है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, एक ने पॉजिटिव दिया होगा एक ने नेगेटिव, तो हमारे माइनस मानने से कुछ गलत नहीं हो जाता, वो फाइनल आंसर में सही हो जाएगा जब तुम वैल्यूज निकालोगे। तो आई बात समझ में, यहाँ पर कोई डाउट है? तो चार वेरिएबल चार इक्वेशन, अब इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी अपन जो क्वेश्चन लेंगे वो तब सॉल्व करेंगे ना, पर दिख रहा है जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ्स का पहला और दूसरा लॉ लगा के कोई भी सर्किट सॉल्व करा जा सकता है। देखो सीरीज पैरेलल वाले तो सॉल्व करना आसान होते हैं, पर हर एक सर्किट सीरीज या पैरेलल में नहीं होता, जो ना तो सीरीज है ना पैरेलल है वहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे अपन। ठीक है करें फिर क्वेश्चन, लिख लिया है सबने, डाउट है किसी को, पूछना है नहीं आया समझ में तो आ गया। चलो ठीक है क्वेश्चन लिखो जल्दी से, आप एक क्वेश्चन कर दो, चलो ठीक है। मान लो इस पे इनिशियल चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, इस पे है माइनस 4 माइक्रो कूलम, इस पे है 0, इस पे है 0, कितना मानना है, कितना चाहिए, 5 माइनस 5, तो ले इस पे प्लस, अपन उल्टा सीधा कुछ भी डेटा ले लेते, मैं दिखा रहा हूँ सबसे ही होता है। ठीक है तो इस पे माइनस 5 मान लिया, इस पे प्लस 4 मान, समझ में आ गया, कुछ भी मान लिया हमने रैंडम डेटा। चलो इसका पोटेंशियल कितना चाहिए, 10 वोल्ट मान लो, चलो पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल मान लिया, इनके कैपेसिटेंस मान लेते हैं, सी वन बताओ कितना चाहिए जल्दी बोलो, 2 माइक्रो फेरेड ले लो, सी टू ले लो 4 माइक्रो फेरेड ले लो, आसान आसान से ले लेते हैं, सी थ्री क्या ले लें,
6 माइक्रोफेरेड ले लो, ठीक है, डेटा ले लिया। तो इसमें बैटरी का पोटेंशियल दिया है, सबके कैपेसिटेंस दिए हैं और इनिशियल चार्ज भी दे दिया है ना, एक मिनट, जो ये इनिशियल चार्ज है ये क्या होता है, स्विच। स्विच मतलब है जब बैटरी कनेक्ट नहीं करी, याद रखना एक जगह से तोड़ना भी टूट जाती है। अब ऐसा नहीं है तुम कहो कि सर इधर से तो बैटरी दे सकती है चार्ज, नहीं दे सकती, एक जगह से खोल दिया मतलब गई, देखा है ना सर्किट, एक जगह से पता है ना, ये करके देख सकते हो, कुछ भी बताते हैं सर कि एक जगह से खुला छोड़ दोगे तो कहीं करंट फ्लो नहीं करता, फिर पूरा लूप चाहिए कंप्लीट। तो टी इक्वल टू जीरो जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन कब की, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब का है, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी। टी इक्वल टू जीरो पे मैंने क्या करा, इसका मतलब क्या होता है, स्विच को क्लोज कर दिया, कंडक्टर कनेक्ट हो गया। एट टी इक्वल टू जीरो लिखो, एट टी इक्वल टू जीरो बैटरी इज कनेक्टेड, एट टी इक्वल टू जीरो बैटरी इज कनेक्टेड, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच कैपेसिटर। एट टी इक्वल टू जीरो बैटरी इज कनेक्टेड, फाइंड द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच कैपेसिटर। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करोगे, पहले तो कैपेसिटर प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरी बात अब तुम लगा लो कितने तुम्हें किरचॉफ्स का, एक तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लो लग जाएगा, एक ही लगेगा देखो यार, है ना, एक किरचॉफ्स का वोल्टेज लो लगा लेना, देख लेना उससे आंसर आ जाए, नहीं आएगा तो फिर पहला वाला लो लगा लो, इधर लगा दो इन दोनों प्लेट पे। अब उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं, वो तो देख के ही समझ में आ जाएगा तुम्हें ना, आ रही बात समझ में, चलो करो मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, करो अब जैसे करना है। देखो बहुत सारे नए वेरिएबल मत मान लेना, वैसे तो तुम Q1, Q2, Q3 मान के कर सकते हो, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा, पर देखो फटाक से करने का तरीका देखो। मान लो जब इसको क्लोज करा, देखो मान लो इसको क्लोज करा तो बैटरी ने क्यू चार्ज इधर दिया, इधर पे कितना दिया, तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा, यहां पे मैंने किरचॉफ्स का पहला लॉ ऑलरेडी लगा दिया है। देखो इस पे टोटल सम कितना होना चाहिए था, बैटरी को तो जम मारते हैं, इन दोनों प्लेट पे टोटल सम होना चाहिए था -9, अभी भी देखो -9 ही है, क्यों है, क्योंकि बैटरी जितना पॉजिटिव से देती उतना नेगेटिव से, इसलिए बैटरी को काउंट ही नहीं करते। अच्छा देखो पहला क्वेश्चन है ना, क्या दिक्कत है बताओ, यही तो बोला था, चलो ठीक है -1 होगा ना, तो अगर इन दोनों का सम -1 है इनिशियली तो फाइनल भी -1 दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, क्यू और माइनस क्यू तो कट गए, तो किरचॉफ्स का पहला लो ऑलरेडी लग गया है, ये सब अलग से लिख के नहीं लगाना, दिमागी दिमाग में फटाफट लग रहा है, देखो कैसे किरचॉफ्स का, देखो पहला लो तो कैसे लग जाता है, ये लग गया, अब इस पे अगर 4+Q तो इस पे कितना होना है, अब यहीं पे लगा दो किरचॉफ्स का पहला लो इनिशियली, अब इस पे अगर इधर -Q आया है तो कहां से आया, सोचो इसमें -Q इधर से आया होगा तो इस पे कितना होगा, समझ में आ रहा है, अगेन देखो किरचॉफ्स का पहला लो लगा के देखो, इस पे कितना था इनिशियली -4+0 -4, अभी कितना है, देखो कट गया ना, लग गया ना, यहीं पे लग गया ना किरचॉफ्स का पहला लो, तो आओ चलो फिर से लगाते हैं, इस पे अगर +Q आ गया तो इस पे कितना आएगा, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, अगर ये थोड़ा ध्यान रखोगे ना 10-15 क्वेश्चन घर जाके कर लोगे, हो गया तैयार, इसमें +Q आया, इसमें -Q आया, कहाँ से आया होगा ये -Q, सोच के देखो, इधर माइनस इधर +Q आएगा, और लास्ट में चेक कर लो जैसा करते थे, इसका इक्वलेंट अपोजिट आ गया क्या, मतलब सही माना है, तो इक्वलेंट अपोजिट वाला हमने लगा दिया, किरचॉफ्स का पहला लो भी लग चुका है, अब क्या बचा है, बस KVL किरचॉफ्स का वोल्टेज लो, लूप लो, और एक ही तो वेरिएबल है देखो पूरी इक्वेशन में, क्यों एक इक्वेशन लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सर्किट में हम किरचॉफ्स का लूप लो लगाएंगे, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ लूप ABCDA, मतलब हम ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस ए पॉइंट पे आएंगे। तो अब हमको पता है सबसे पहले हम जैसे ए पॉइंट से जा रहे हैं तो जो पहली प्लेट पड़ती है उसका चार्ज लिखते हैं, तो इस पर चार्ज है 4+Q माइक्रोकूलम, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोकूलम, तो 4+Q डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा वोल्टेज होता है Q/C, तो चार्ज को मैंने जो पहली प्लेट का चार्ज है उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिया और माइक्रो से माइक्रो कट गया है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अब यहाँ पे जा रहे हैं तो देखो इस प्लेट पे अब चार्ज है 0+Q, मतलब क्यू चार्ज है, तो इस पर हम लिखेंगे Q/कैपेसिटेंस विच इज 4 माइक्रो फैरेड प्लस, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई, तो इस पे चार्ज है 5+Q, तो लिख देते हैं भाई 5+Q / 6 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो फिर से कट गया,
चलो अब यहाँ पे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, अब बैटरी आई तो देखो बैटरी का भी नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो हम माइनस 10 लिखेंगे, तो माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो ये देखो किरचॉफ्स के लूप लॉ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा था क्यू, और देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्यू के टर्म में आ गई, इससे अब हमारा आंसर निकल जाएगा, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। ओके इस पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो देखो भाई क्या आएगा, ठीक है 12 से करूँगा तो इधर पे 6 आ जाएगा, 12 बाई 2 6 आएगा, 6 इज 24 प्लस 6 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 10 प्लस 2 क्यू माइनस 120 इक्वल टू जीरो। तो देखो भाई क्या आ गया अपना 6 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 2 क्यू, तो 9 क्यू प्लस 2 क्यू 11 क्यू, और ये आ रहा हमारा 24 प्लस 10 34 माइनस 120, तो हमारा चार्ज निकल के आ गया 84/11, और इसका यूनिट होगा माइक्रो कूलम। अब इस क्यू की वैल्यू रख देंगे अगर हम, तो मुझे सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, तीनों प्लेट पे चार्ज पता चल जाएगा। तो ये थी हमारी मेथड नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो 120 माइनस 34 हमारा 86 होता है, ये छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, तो हमारा चार्ज आ जाएगा 86/11 माइक्रो कूलम।